नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यनारायण शाह। आप लोग देख रहे हैं SNS World YouTube चैनल। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग का प्यार मोहब्बत का मैं आभारी हूँ। आप लोग के लिए मैं आज इस स्तर पर उठा हूँ। आज हम कुछ दिल का बात आपका साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने आप लोग का बच्चों का कड़ी मेहनत सिखाए हैं। इस COVID-19 पेंडेमिक की अवसर पर आप लोग मुझे भी बहुत सपोर्ट दिए हैं, इसलिए हम आपका साथ इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस आप लोग ही बढ़ाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करें। जिंदगी का क्या इम्पोर्टेंट है, लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, आप गेस कीजिए। पैसा, अगर पैसा है तो पूछिए जिसका पास बहुत पैसा है वो क्यों दुखी है, और जो लॉटरी में बहुत पैसा पाया है उसका बाद उसका पैसा क्या उसका पास रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम देने जा रहा हूं, प्यार मोहब्बत। हम भी प्यार मोहब्बत बच्चे स्टूडेंट सबका साथ किए हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम देखेंगे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है वैल्यूज। आदमी का अंदर क्या वैल्यूज रहना चाहिए, वैल्यू किसको बोला जाता है, उसका बारे में हमारा एक्सपीरियंस आज हम शेयर करने जा रहे हैं। जिस तरह एक आदमी को पिज्जा खाने के लिए मन कर रहा है, इट इज फीलिंग, और पिज्जा खाने से क्या होगा ना, हम मोटा हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ये हुआ सीधा। वैल्यूज मतलब स्वस्थ रहना है, तो वैल्यू और फीलिंग्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जिस तरह सोच लीजिए एग्जाम में एक बच्चा को कुछ नहीं आ रहा है, उस समय उसका ऑप्शन रहता है चीटिंग करना, क्योंकि अपना पेरेंट्स से वो थोड़ा बच सके और अच्छा कॉलेज में उसका नाम लिखा जा सके। इस तरह फीलिंग्स है चीटिंग करना, इधर वैल्यू है पढ़ना। तो वैल्यू और फीलिंग्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है। और तीसरा चीज हम लेते हैं, जिस तरह एक बीच में आदमी एक कुत्ता लेकर जाता है, वो घूमते घूमते उसका कुत्ता समुद्र में डूबने लगता है, और उससे 100 फीट की दूर एक अनजान आदमी भी डूब रहा है, तो आप किसको बचाइएगा? आपको जिसका सब प्यार है, शायद कुत्ता को आप ऑप्शन चुनिएगा। अगर कुत्ता को ऑप्शन चुनिएगा तो आप क्या आदमी से कुत्ता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? यह है फीलिंग्स और वैल्यू का कॉन्फ्लिक्ट। तो हम देखेंगे जो आदमी कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो लोग का सीक्रेट क्या है, वो लोग फीलिंग्स को दबा कर वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। यह है वैल्यू, इसलिए आदमी का वैल्यू चाहिए। उसका बाद आता है बिलीफ। जिस तरह बिलीफ नहीं आता है, जिस तरह आदमी ने चंद्रपृष्ठ तक पहुंचा, आदमी ने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा सिर्फ वैल्यू के लिए, आत्मविश्वास के लिए, वो आत्मविश्वास जगाया। राइट ब्रदर्स कई बार पढ़े होंगे, और कोई आदमी लोग बोलते होंगे कि ये पागल है, ये तो बार बार गिरता है फिर भी उड़ने के लिए कोशिश करता रहता है, वो कोशिश ही उसको सक्सेस की तरफ खींचता है। जिस तरह थॉमस अल्वा एडिसन
थाउजेंड बल्ब ब्रेक करने का बाद वो इन्वेंट किया लाइट, इसलिए हर बल्ब ब्रेकअप में उसका न्यू एक्सपीरियंस जो फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसलिए आदमी एक बार दो बार कोशिश करते हैं उसका बाद छोड़ देते हैं, कंटिन्यूअस प्रयास नहीं रहता है। और कभी कभी हमको फीलिंग आ जाता है जिस तरह हम थोड़ा पबजी खेल लें और उधर एग्जाम भी है, तो फीलिंग और वैल्यू, वैल्यू क्या है? वैल्यू पेरेंट्स लोग पैसा खर्चा करते हैं, पेरेंट्स लोग दिन रात बच्चे के लिए एक कर देते हैं, लेकिन वैल्यू समझना चाहिए। टीचर जो बच्चे को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, उसका वैल्यू समझना चाहिए। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू ही लाइफ है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। जिस तरह हम अकेले खुशी रहने से उसको हम लाइफ नहीं बोल पाएंगे, अगर हम दूसरे को मुस्कान ले आ सकते हैं, दूसरे को काम धंधा दिला सकते हैं, दूसरे को खुशी करा सकते हैं, वह है सक्सेस। थैंक यू।